देखेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं फीमेल फोटोग्राफर ज़ैनब नासिर। कुछ अर्सा पहले तक समझा जाता था कि फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि सिर्फ लड़के ही आ सकते हैं और मर्द हज़रात जो हैं वही फोटोग्राफर बन सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तान में देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इस फील्ड में आ गई हैं और बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रही हैं, हर मीडियम में फोटोग्राफी कर रही हैं। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब किस तरह की फ़ोटोग्राफी करती हैं, इस फील्ड में कैसे इनका आना हुआ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अलहमदुलिल्लाह, फिटफाट। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। ज़ैनब ये बताइएगा कि फ़ोटोग्राफी को आपने कैसे चूज़ किया? आई थिंक फोटोग्राफी चूज मी, इट वाज द अदर वे अराउंड। अच्छा, ओके, आई किस ऑलवेज तरह वाज से? यस इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी। और कैन यू हियर मी? आई कैन, आई कैन। ओके। एंड बड़ा ही बचपन में, लाइक माय फादर बॉट मी अ कैमरा। उस जमाने में KB10 कैमरा होता था, वो 999 वाला। जी I was 10 or something, पापा ने वो मुझे दिलाया and I ruined it. Like मैंने वो पहला कैमरा ही खराब कर दिया। फिर और उसके बाद इत्तेफाक से मोबाइल आ गए कैमरे वाले and that's how I started my photography career. ओके, सो किस हम इसके अभी मैंने स्टार्टिंग में बात यही की कि मोबाइल फोन्स की वजह से जो है तस्वीरें लेने का और बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया। इसके एक टाइम था कि हम लोग सिर्फ तस्वीरें इसलिए लेते थे कि हमें अपनी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो उसकी मेमोरीज़ को सेव करने के लिए हम तस्वीरें ले लेते थे, और फिर एक टाइम था कि वो रोल्स जो थे उनको डिवेलप कराया जाता था, पिक्चर्स निकलती थी, प्रिंट्स बनते थे, एल्बम्स बनती थी। लेकिन अब बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अब आपकी सारी मेमोरी जो है आपके फ़ोन में होती है, हर वक्त हम पिक्चर्स ले रहे होते हैं, सेल्फीज़ ले रहे होते हैं। तो आपने भी इसी तरह शुरू किया कि ज़ाहिर फ़ोन आया और फ़ोन के कैमरे से आपने स्टार्ट किया। सो किस जी तरह की बिल्कुल, दैट्स फोटोग्राफी हाउ आपको इट स्टार्ट। अपनी मीन्स के आपने स्टार्ट किया कि अपनी पिक्चर्स लेने से स्टार्ट किया, या फिर आपको शौक था कि आप जो है दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स लें, सीनरीज की पिक्चर्स लें या दूसरे लोगों की लें? आई स्टार्टेड विद पिक्चर्स ऑफ अदर पीपल, और अदर पीपल में मेरे घर वाले नहीं, दोस्त नहीं। आई वाज ऑलवेज इनटू स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड ओके, फोटो जर्नलिज्म का एक फॉर्म था। आई वांटेड टू कैप्चर मोमेंट्स एंड स्टोरीज एंड लोगों के इमोशंस, के लोगों को कैसा फील हो रहा है, हम अगर किसी और शहर जा रहे हैं तो वहाँ की वाइब कैसी है, ऑल ऑफ दैट। आई वाज डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ एंड ऑफ दोज अराउंड मी। ऑल राइट, ओके ओके। सो इंटरेस्टिंग काम है आपका, काफ़ी लग रहा है कि बहुत मज़ा आपको आता होगा। तो कुछ मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ समथिंग के आपने ज़ाहिर है आपने जाके लोगों की पिक्चर्स लेनी है, और अक्सर जो है लोग नहीं भी मानते कि आप उनकी पिक्चर लें, ऑफेंड भी हो रहे होते हैं। तो आपको कुछ मुश्किलात बिल्कुल पेश आती हैं? जी, कभी कभी काफी लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है कि फोटोग्राफी हराम है। फिर पर से एक जी लड़की आपकी अगर तस्वीर ले रही है तो वो हराम हराम ज्यादा हराम हो जाता है, तो कुछ लोग बहुत ऑफेंड होते हैं। एंड समटाइम्स इट्स अ ब्रीज, लाइक पीपल लव देयर पिक्चर्स टेकन एंड बड़ा स्माइल करते हैं वो, जस्ट बिकॉज़ आई एम अ गर्ल दे स्माइल एट मी, ऑल ऑफ दैट आल्सो हैपेंस। सो इट्स लाइक गिव एंड टेक, कभी कभी इट गोज गुड, कभी कभी इट गोज बैड। एंड व्हेन लाइक कुछ इलाके होते हैं एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई बट दे टेल यू नॉट टू शूट पिक्चर्स देयर, जो अथॉरिटीज होती हैं आपकी, पुलिस बोलेगी नहीं कर सकते नहीं एनी, कर सकते। मगर जब हाँ आप उनसे बात करते हैं यू एक्सप्लेन टू देम कि आई एम नॉट हियर फॉर डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, और मुझे सिर्फ लोगों की पिक्चर्स चाहिए टू डॉक्यूमेंट कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। जैसे अगर चक्की वाला है तो चक्की वाला कैसे आटा बना रहा है, थिंग्स दैट फैसिनेट अस एवरीडे, चीजें होती है मगर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। यस, व्हेन वी पॉज इट फॉर अ लिटिल व्हाइल ना, उसे मैं कैप्चर करूँ या फ्रेम करूँ, तो दैट इज व्हेन योर अटेंशन विल गो टू इट। My friends बिल्कुल say सही। कि when I capture buildings, everyday buildings that they pass by, it's very different because I've taken my time to find the perfect angle, और फिर उसकी story आप बताते हैं कि इसकी ये history है, यहाँ ये हुआ, that changes your perspective about your life. बिल्कुल, और वही बात है कि जो चीज़ें रोज़मर्रा हमारी नज़रों के सामने से गुजर रही होती हैं लेकिन हम उनको इग्नोर भी कर देते हैं, उनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब उनको एक उनसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो मेमोरीज़ हैं, जो उनकी इम्पोर्टेंस है, उसको अगर कैप्चर कर लिया जाए तो फिर एक उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चलती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने इसकी बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल तालीम हासिल की है या सिर्फ शौक किया ही स्टार्ट कर दिया? मैंने बिल्कुल इसकी प्रोफेशनल तालीम हासिल की है एंड आई एम बेसिकली अ फिल्म मेकर। मैं फोटोग्राफी लेक्चरर भी हूँ, आई टीच फोटोग्राफी नाउ एंड आई टुक माय डिग्री फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन फिल्म इन फोटोग्राफी। ओके, सो अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हम आपने पाकिस्तान में सिर्फ फोटोग्राफी की है या फिर इंटरनेशनली जाके भी आप करती हैं? मैंने इंटरनेशनली भी जाके की है एंड आई हैव बीन इनवाइटेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आई एम लीविंग टुडे, देयर इज अ कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद, सो आई एम गोइंग फॉर दैट। And I've also been to Sri Lanka.
नॉट वेरी फार ऑफ येट बट आई बी श्रीलंका. अच्छा तो श्रीलंका में किस तरह की फोटोग्राफी की, यही स्ट्रीट फोटोग्राफी है? बिल्कुल, मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी. आई एम रियली इनटू कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस एंड हाउ पीपल गो अबाउट देयर लाइव्स. सो क्या डिफरेंस आपको क्या महसूस हुआ पाकिस्तान में फोटोग्राफी करके और फिर जब बाहर जाके की, तो आपको क्या फर्क क्या महसूस हुआ? ज्यादा डिफरेंस नहीं था, श्रीलंका इज अ लॉट लाइक, तो इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक डॉक्यूमेंटिंग द सेम पीपल, मगर वही थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर था. मगर वो भी अगर आप पाकिस्तान में इंटीरियर जाते हैं ना, जैसे थर पार्कर आप क्रॉस कर लेते हैं जी, तो लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा हो जाता है, लोगों को उर्दू समझ नहीं आती. आप ऐसे पंजाब में इंटीरियर चले जाएं, लोगों को उर्दू समझ नहीं आती, तो आपका कम्युनिकेशन बैरियर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंटरनेशनल होता है. इट वॉज लाइक दैट. ठीक है, तो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया, किस एरिया में फोटोग्राफी करने का आपको सबसे ज्यादा मजा आया? I've been all over Pakistan, alhamdulillah. मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं अभी तक गई नहीं for my work. And my favorite place so far has been Tharparkar. I love उनका वो जो heritage है and the vibes they give and they're very welcoming people. और इतनी problems में रहते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी इतना colorful culture ना मैंने शायद कहीं और नहीं देखा.